क्वेश्चन है फर्स्ट सर, फीस जिस दिन डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं उस दिन फिल करनी है, फीस के बारे में ये आपको जैसे दिए गए हैं दिन, यहाँ पर दिन भी देख लें कौन से हैं, ये रहे आपको दिए गए हैं 15 से 17 सितंबर। तो जैसे कल आपने एक दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं, हर हालत में अगर आप उसी कॉलेज में रहने चाहते हो आप, तो 17 सितंबर शाम से पहले पहले वहां फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए। अगर आपकी फीस डिपॉजिट तब तक नहीं हुई तो आपकी वो सीट खाली मानी जाएगी, फिर आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। अगर आपने फीस डिपॉजिट करा दी है तो आपकी वहां सीट कंफर्म हो जाती है। तो 17 तक है, आप उस दिन, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आप उस दिन भी करवा सकते हो, नेक्स्ट डे 17 तक भी करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर पीयू चंडीगढ़ के अंडर डम्मी कॉरेस्पॉन्डेंस एडमिशन अलॉट नहीं है, क्या आपने मुझसे ये पूछा है कि अलॉट है या नहीं है? ये देख लीजिए, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, क्योंकि इसको रीफ्रेज करना चाहिए। सबसे पहले डम्मी कोई सीट नहीं होती, मतलब ना किसी एजुकेशन सिस्टम में डम्मी सीट नहीं होती, ये इलीगल टर्म है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस ये बीएड एडमिशन नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आप डम्मी या नॉन अटेंडिंग, जो एक गंदी टर्म है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो तीसरा आपने क्या पूछा कि अलाउड है, कभी भी डम्मी सीट या नॉन अटेंडिंग सीट अलाउड नहीं होती, क्योंकि ये इलीगल मामले हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज व्हाई कोई भी इसका आंसर नहीं देगा। ये प्राइवेट कॉलेज की, नॉट गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना ही पड़ता है, डम्मी सीट ऐसे कोई फिनोमिना ऐसा नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज में ये सब कुछ इंडिया में चल रहा है, तो ये आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज और आपकी सेटिंग होती है, इसका जवाब मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से इस बार गवर्नमेंट प्लस यूनिवर्सिटीज ने सख्ती की है, दैट इज वाई डमी सीट्स नहीं अलॉट, क्योंकि जब भी इंस्पेक्शंस होंगी, इंस्पेक्शंस अगर होती हैं तो लॉस जो है आपका होगा, कॉलेज का नहीं। कॉलेज ने यही कह देना है कि मैंने रेगुलर कह के इसकी एडमिशन की थी, ये बच्चा नहीं आ रहा, जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लेना है ले सकती है। तो जो अगर आप जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हो तो आपका रिस्क ज्यादा है, तो आपको पीयू या किसी और यूनिवर्सिटी में अगर आप पूछ रहे हो तो ये वैसी बात नहीं है। सारे इंडिया में ये प्रैक्टिस चल रही है, कैंसर ये सभी जगह लग चुका है, एड्स लग चुकी है, तो ये आप और प्राइवेट कॉलेज के में है, अलॉट वगैरह वगैरह ये मतलब ऐसी कोई नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि डमी सीट फिल कर सकते हो। लीगली कोई वाइस चांसलर या एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, ना ही किया जा सकता है। So this is between you and your college in which you want to take the admission. Next question है, sir subject combination कौन सा best है, पंजाबी SST या पंजाबी physical education? देखिए, मुझे जब भी ये आपके question पूछना है आपने ये जानकारी जरूर देनी है। अगर SST आपने मान लीजिए 2 social sciences पढ़ी हुई है, सोशल साइंसेज आपने कहा किसमें ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, 3 साल है ना इलेक्टिव हो गई और आपने 2 पढ़ी हुई है, तो आपका SST बेस्ट बन गया पहला, ठीक है। अगर आपने इलेक्टिव पंजाबी, दूसरी यहां लिखता हूं, इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, ठीक, तो आपका इलेक्टिव फिर आपका SST पंजाबी बेस्ट है। कारण क्या है, फिर ऐसा करके आप SST के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन रहे हो और पंजाबी के लिए बन रहे हो। अगर आपने पंजाबी नहीं की, जनरल पंजाबी की है, ये इसकी जगह पर जनरल पंजाबी की हुई है, तो आप पंजाबी लेते हो तो आपको बीएड करने के बाद एडिशनल ग्रेजुएशन ऑफ पंजाबी देना पड़ेगा, जो 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होंगे, मतलब 2 पेपर मेरे ख्याल में, 2 ही अभी चल रहे हैं, मैथ्स के 3 होते हैं,
दो पेपर तीन साल के, ये हो गए 6 पेपर, ये देने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए। अब मुझे नहीं पता कि आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तीसरा आपने पूछा कि फिजिकल एजुकेशन बेटर है या नहीं है, तो ये आपका इंटरेस्ट किसमें है ये भी एक बात है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी SST और पंजाबी की है, गवर्नमेंट जॉब की, तो फिजिकल एजुकेशन की रिलेटिवली कम होती है पोस्ट। और मुझे ये नहीं पता कि आपने फिजिकल एजुकेशन 3 साल पढ़ी है। अगर आपने पंजाबी नहीं पढ़ी, जनरल पंजाबी पढ़ी, हर फिजिकल एजुकेशन आपने 3 साल इलेक्टिव पढ़ी हुई है ना, फिर आप फिजिकल एजुकेशन लेके गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन जाते हो। ठीक, एलिजिबल बनना डिफरेंट हो सकता है इससे कि आप प्रेफर कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हो। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि ये मैंने 3 साल, ये मैंने 2 साल या 1 साल, कौन सा सब्जेक्ट जनरल और इलेक्टिव आपने पढ़ा है, फिर क्लियर हो सकता है। वैसे मैंने सारा उत्तर दे दिया है, अब ये आप पर निर्भर करता है कि अगर इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है तो आपको SST पंजाबी ही प्रेफर करना चाहिए। अगर इलेक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी और जॉब के लिए आप जल्दी एलिजिबल बनना चाहते हो तो आपको SST फिजिकल एजुकेशन, जो मेरे ख्याल में कम कॉलेजेस में होगा, ये सभी कॉलेज में मिल जाएगा, तो आपका आंसर ये बनता है SST पंजाबी बेस्ट। नेक्स्ट है सर, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज च शिफ्टिंग करवानी है उन्होंने भी 15 to 17 तक रिपोर्ट करना है कॉलेज अलॉट जिन्हों के, देखिए शिफ्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए, गलत हो रहा है सारा कुछ। शिफ्टिंग किन के लिए है, जिन्होंने रिपोर्ट कर दी है, ये बात समझ लो। मान लीजिए आपने फीस डिपॉजिट करा दी है, फीस डिपॉजिट ठीक है करवा दी है, तो आपको शिफ्टिंग, आपकी एडमिशन होगी, इसका मतलब जो जिनकी एडमिशन हुई है वो शिफ्ट करेंगे। जिन्होंने पहले ही डिसीजन लिया है कि मैंने फीस जमा यहां नहीं करनी, जो पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिला है उस कॉलेज को मैं ऑप्ट नहीं कर रही हूं, मतलब मैं फीस वहां जमा नहीं करवाऊंगी, वहां रिपोर्ट नहीं करूं, आप जा सकते हो वहां इंक्वायरी कर सकते हो, फीस जमा नहीं करवाती तो आप शिफ्टिंग, आपका फिर शिफ्टिंग नहीं होगी, फिर आप सीधा ही सेकेंड काउंसलिंग में जाओगे, वहां जब मेरे ख्याल 20 या 22 को च्वाइस फिलिंग होगी तो वो फिल करोगे च्वाइस फिलिंग। ठीक, शिफ्टिंग वालों ने भी च्वाइस फिलिंग ही करनी है, च्वाइस फिलिंग होगी, शिफ्टिंग वालों ने 1000 दे के जमा करनी है, आपने बिना कोई फीस दिए उसमें जाना है। ठीक, तो वैसे इसके बारे में जानकारी यूनिवर्सिटी ने बेशक नहीं दी, लेकिन आप सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हो अगर आपको वो मन पसंद सब्जेक्ट या कॉलेज नहीं मिला है, तो आप जो है हर हालत में शिफ्टिंग वाले और जो सेकंड कोर्स में डायरेक्ट जाना चाहते हैं उन्होंने ये जो है 17 तक वो कार्रवाई जो है करनी है पूरी, सॉरी ना 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 20th से होगी वो, हाँ 20th से है शायद, ये हम देख लेते हैं मेरे ख्याल में 17 तक वो है, और ये रही आपकी 20 से 20, 21, 22, ये रही 20 से 22 तक च्वाइस फिलिंग, कहां गई ये रही, हाँ 20 से 23 तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग, ये आपने करना है शिफ्टिंग वालों ने अगर फीस डिपॉजिट करवा दी है। अगर आपने नहीं करवाई तो आप अगर आपने नहीं करवाई फीस जमा तो आप डायरेक्ट जा रहे हो, अगर आपने फीस जमा करवा दी है तो आपको शिफ्टिंग की फीस जमा करवाकर फिर सेकंड काउंसलिंग में ही जाना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज जो शिफ्टिंग करवानी है उन्होंने भी 15 to 17 तक रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब है कि आप फीस जमा करवानी है या नहीं करवानी, रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कॉलेज में गए हो और उनसे बातचीत की है और बताया है कि यार मुझे यहाँ पर मैडम सर यहाँ पर सीट मिल गई है तो दैट इज वाई रिपोर्ट का मतलब फीस ही रहेगा। तो आप जरूरी नहीं है फीस मत जमा करवाए, फीस ना जमा करवा के आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में चले जाए। आगे चले, ज्यादा लंबा हो गया, चलते हैं सर। मैंने BSc नॉन मेडिकल एंड MSc मैथ्स कंप्लीट कर ली है, मेरा सब्जेक्ट मेजर कॉलेज अलॉटमेंट में साइंस आया है, इज दिस एनी प्रॉब्लम मैथ, नहीं प्रॉब्लम नहीं है,
आप ये देख लीजिए कि आपको जो सेकंड पेपर है आपका माइनर है, ये रहा आपका मेजर कॉलेज साइंस आपको मिल गया ना, तो साइंस आपने दो साइंसेज जैसे आपने पढ़ी होगी, नॉन मेडिकल था आपने बायोनिक केमिस्ट्री और मेरे ख्याल में फिजिक्स पढ़ी होगी ना, केमिस्ट्री फिजिक्स अगर तीन साल पढ़ी है तो साइंस आपका बन गया। तीसरा मैथ आपकी ये जो मास्टर डिग्री भी है तो आप साइंस के साथ मैथ्स लोगे, मैथ्स आपका माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप दो साइंस और मैथ दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां आपको साइंस के साथ मैथ दिया जा रहा है माइनर या नहीं, अगर वहां नहीं दिया जा रहा फिर आप कॉलेज शिफ्ट कीजिए, 100% शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपका बेस्ट सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ में की है वही बेटर रहेगा, कि पीजी के लिए भी आप एलिजिबल बन रहे हो, पीजीटी के लिए भी और साइंस के लिए भी। दैट इज वाई सब्जेक्ट मत चेंज कीजिए, सब्जेक्ट मैथ माइनर ही लीजिए, अदरवाइज कॉलेज को चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहां से चलते हैं, ये रहा सर अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करना हो तो, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ये आंसर नंबर आपका वन हो गया। दूसरा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हो तो वो लोग आपको दूसरा सब्जेक्ट जो अवेलेबल उनके पास है, वैसे अवेलेबल बना भी लेते हैं वो सब्जेक्ट, तो वो भी दे देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप थ्रू काउंसलिंग जाना चाहते हो तो आप सेकेंड काउंसलिंग में दोबारा च्वाइस फिलिंग 20 से 23 सितंबर में फिल करोगे। सर शिफ्टिंग ले फीस जमा करानी पाऊ, यस शिफ्टिंग ली 1000 लगेगा, लेकिन वो 20th से 23rd के बीच में ही होगा, लेकिन शिफ्टिंग का मतलब उनके लिए है जो फीस जमा करवा चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग में 17 तारीख से पहले, अगर नहीं जमा करवाते तो वो भी नहीं लगेगा आपका। सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है और मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की है, हर पर गवर्नमेंट कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट होम साइंस मिल गया है, क्या मैं होम साइंस से कर लूं, ये सही होगा? ये आपने डिसाइड करना है कि आपको टीचर किसके बनना है, अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल साइंस के बनना चाहते हो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएशन में आप कोई और दूसरे सोशल साइंस करके, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिलोसफी सोशियोलॉजी, वो करके आप SST का एडिशनल बाद में दे दीजिए। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल साइंस के साथ आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो एडिशनल देना चाहिए, ये एडिशनल आपके लिए गाइडेंस होगी। हाँ अगर आपने अकेली पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो वो भी आप MA की हुई है तो आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, फिर भी आप प्लस वन टू के लिए 10+2 तक के लिए एलिजिबल हो गए, TGT के लिए एलिजिबल नहीं हो गए, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो होम साइंस में मिल रही है, अगर आपकी फीस की तंगी है और आप रेगुलर जा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, तो आप होम साइंस से कर सकते हो, क्योंकि होम साइंस की भी पोस्ट निकलती है, लेकिन SST की सबसे ज्यादा निकलती है पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस होम साइंस की लगभग बराबर होती है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने फीस को प्रेफर करना है या सब्जेक्ट को, पॉलिटिकल साइंस को। अगर आप पैशन हो, बहुत आप लगाव है पॉलिटिकल साइंस से, हाँ फिर आप प्रेफर कर सकते हो, फिर आपको प्राइवेट में शायद जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट में नहीं होगी पॉलिटिकल साइंस। ठीक सर, थैंक यू सर सो मच। अगर कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला अलॉट हुआ है, आई एम वेटिंग फॉर BEd काउंसलिंग चंडीगढ़, वो 20th को है, अगर एडमिशन फीस दी तो वो रिफंड होती है 100%, ये रूल है UGC का। देखिए सर, पहले UGC का रूल था कि जब आपने फीस डिपॉजिट मान लीजिए 20,000 10,000 चलो करवा दी है, 10,000 करवा के ये रहा 10,000 बन गया, तो कॉलेज ने 1,000 रखना है और 9,000 जो है बाकी रिफंड कर देना है। ठीक है, एक रूल ये था कि 1,000 जब तक की काउंसलिंग चल रही है, तो 20 आपको अगर वहां काउंसलिंग हो रही है तो सेकंड काउंसलिंग आपकी फिर भी चल रही है, आपकी रिफंडिंग फिर भी बनती है। ठीक, तीसरा, कोविड में UGC ने एक लेटर जारी किया था, मेरे पास अभी नहीं है, उसमें ये कहा गया था कि बच्चों की जो इकोनॉमिक हालत है वो वीक है, दैट इज वाई कोई भी बच्चा रिफंड अगर मानता है तो उसको 100% रिफंड किया जाए,
तो आपका उत्तर क्या है, आपको रिफंड जरूर मिलेगा। हाँ, अगर कहता है को कॉलेज के हमारा एक 1000 बनता है, इतना कॉम्प्रोमाइज शायद आप कर भी लोगे कि 1000 के बाकी रिफंडेबल आपका फीस है, क्योंकि विद इन आप उसमें कर रहे हो, काउंसलिंग चल रही है। सर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर में 2 स्टार में फीस दे सकते हैं? यस, आप दे सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें आपने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है कि ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई कैन डिपॉजिट माय फीस इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल अलाउ कर देते हैं। राजा, ये कॉलेजेस जो फाइनेंशियली बच्चे संघर्ष कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए था, तो दैट इज वाई करेंगे, 100% करेंगे। मैंने वहीं से की हुई है, मेरी तो फीस भी 900 के करीब लगी थी। सर, मैनू सीट प्राइवेट कॉलेज मिल गई है, मेरी कास्ट SC है और मेरी सीट जनरल विच है। तो ये कई ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं कि मुझे, देखिए, जो SC बच्चा है उसको जनरल में अगर उनको लगा कि जो कॉलेज या सब्जेक्ट इसको चाहिए या रैंक वाइज बनता है, अगर उस SC कैटेगरी में नहीं अवेलेबल तो उन्होंने जनरल कैटेगरी का दे दिया है। तो यहाँ फायदा SC कैटेगरी को है हुआ है, रिजर्वेशन का फायदा उन्हें हुआ है। हाँ, जनरल के बच्चे की सीट उनको मिल रही है ऐसी। तो अगर आप वहां भी सेटिस्फाई नहीं हो, सब्जेक्ट के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो या कॉलेज के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर आप वहां रिपोर्ट मत करें। आप सेकेंड काउंसलिंग में जो है अपनी चॉइस फिलिंग है 23rd को ये फिल करें। अगर आप वहां रिपोर्ट कर चुके हैं, रिपोर्ट करने का मतलब है फीस सबमिट जमा करवा चुके हैं, डिपॉजिट करवा चुके हैं, तो भी आपको सेकेंड काउंसलिंग में आना पड़ेगा। बस आपको 1000 एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी को एज ए शिफ्टिंग फीस देना पड़ेगी। नेक्स्ट है, सर मैंने सीट प्राइवेट कॉलेज मिली है तो मेरे पास हो गया है। नेक्स्ट है, सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ये PhD का है मेरे ख्याल में। हाँ सर, ये दस दो के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेके जानी है। अगर असी कॉलेज चेंज करना है तो उस केस विच की करना है? उस केस में कुछ नहीं करना, आपने रिपोर्ट नहीं करना और सेकंड काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 20th से 23rd में आपने फिल करनी है। सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप फीस डिपॉजिट करवा चुके हो देन आपको हर हालत में 1000 पे करके यूनिवर्सिटी को सेकेंड काउंसलिंग में फिर च्वाइस फिलिंग करनी होगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग में 1 या 2 कॉलेज पर फिल किए थे जहां उनको गाइडेंस नहीं मिली थी, उन्होंने रॉन्ग प्रेफरेंस फिल कर दी थी। और कोई भी ऐसा केस है तो आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो वहां एडजस्टमेंट माइनर सब्जेक्ट की बहुत इजीली हो सकती है, फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच सर, आई गॉट कॉल आई वांट है, थैंक यू। ये शख्स सेटिस्फाई मिले हैं, तो इनको रिक्वेस्ट है कि अगर आप TET के लिए लगे रहना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, कोचिंग फ्री लेना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो काइंडली आप TET लिख के मैसेज कीजिए। कोई और भी स्टूडेंट TET की फ्री कोचिंग चाहता है, सिर्फ TET। अगर आप टाइम भी प्रेफर कर रहे हो 5, 6, 7, 8 तो टाइम भी साथ में लिख सकते हैं। तो मतलब क्यों, क्योंकि आप जो एडमिशन हो चुकी है वो TET में अपियर होने के लिए एलिजिबल है इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एज वेल एज NCTE नोटिफिकेशन सर्कुलेशन, जो पीछे मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में। सर, सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की ऑप्शन होगी? हाँ, ये बात हो चुकी है, यहाँ तक था। तो थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, डेली के डेली आंसर दूंगा, लेकिन वीडियो के जरिए प्रेफर करूंगा, साथ में देने डिफिकल्ट है। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो 9872978981 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।